हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, और सबको जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और सभी लोग खूब अच्छे से धूमधाम से बर्थडे मनाएं, और शेयर जरूर करें कमेंट में। तो आज हम लेकर के आए हैं मथुरा के पेड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा से हमने बनाया है। आप जो है ना, थोड़ा सा भी आपका रेसिपी ख़राब नहीं हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 कटोरी ले लिए हैं मिल्क पाउडर, और उसे डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे ऐसे ही। बहुत देर तक नहीं भुनना है, बहुत ज़्यादा लाल यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लाल करेंगे तो पता नहीं हमारे मिल्क पाउडर में शुगर होता है तो उसकी गांठें बन जाएगी, फिर क्या होगा कि आपका लम्स पड़ जाएगा और बढ़िया सा चिकना सा जो है ना खोया तैयार नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा भूनेंगे, और थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर मिल्क, और लेकिन थोड़ा सा हमें भूनने का, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक बस भूनना है। और ये पेड़े बहुत ही बनकर के अच्छे तैयार होते हैं, और यहाँ पे देखिए हल्का सा भून गया है ना। सो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में दूध ऐड करेंगे। एक बार दूध ऐड कर देंगे ना तो क्या होगा कि लम्स हो जाएगा, तो जैसे कढ़ी का बैटर बनाते हैं और उसके लिए हम थोड़ी थोड़ी पानी करके ऐड करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। लगातार ऐसे स्पैचुला से दबाते हुए चलाते जाना है और भूनते जाना। इस तरह से क्या होगा कि जैसे खोआ हम लोग तैयार करते हैं ना घर में, एकदम वैसे बढ़िया सब भून करके लाल वाला खोया बन के तैयार हो जाएगा, और आपका खोया जलेगा नहीं, पेंदी में चिपकेगा नहीं। मिल्क पाउडर क्या होता है, सूखे दाल ज़्यादा देर तक भूनेंगे ना तो वो पेंदी में चिपकने लगता है। तो देखिए कहाँ कितना बढ़िया कलर भून करके आ गया है, और सारा मिल्क भी यहाँ पे सूख गया है। सो हमारा अब क्या होगा कि पेड़ा जो है ना सॉफ्ट और मुलायम मथुरा के पेड़े की तरह एकदम जैसा बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा घी, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच दूध करके हम इसे फिर से भूनेंगे, क्योंकि थोड़ा और हमें अभी कलर चाहिए, थोड़ा सा भी कलर लाइट लग रहा है। तो इसके लिए हम 1-1 चम्मच करके 4 बार हमने इसमें डाला है घी और दूध, तो 1-1 चम्मच के करीब लिए हैं। और दूध जो लिए हैं हम रूम टेम्परेचर लीजिए, या फिर चिल्ड मिल्क लेंगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं है तो रूम टेम्परेचर लीजिए। आपका पेड़ा इतना परफेक्ट बेहतरीन बन के तैयार होगा, आपसे मतलब कोई भी मिस्टेक होने वाला ही नहीं है इस पेड़े में। और जिसने मथुरा का पेड़ा एक बार खाया उसे बार बार खाने का मन करता है, और कोई जाता है पता लग जाता है कि कोई जाने वाला है ना, तो उसको हम लोग पैसे दे देते हैं, या फिर बाद में पता जाने के बाद पता चलता है तो फ़ोन पे कहते हैं यार लेते आना, हमें मेरे लिए भी हम पैसे दे देंगे। तो हम लोग इस तरह से मतलब इतने लालची हैं, इतने लालच आता है कि हम लोग इस तरह से मंगाने की भी कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, ना बढ़िया कलर आ जाएगा ना तो हम उसे निकाल लेंगे एक थाली में, और थाली में इसे निकालना है कि जल्दी से हमारा खोया ना ड्राई ठंडा हो जाए, और इस तरह से गीला जो है बन करके तैयार हुआ है। ठीक, तो हम इसे फैला देंगे हाथों से चारों तरफ से करके, जिसे जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक ठंडा होगा ना तब तक हम क्या करेंगे कि जितना खोया है उसके अकॉर्डिंग इलायची लेकर के उसे कूट लेंगे। तो यहाँ से हम 7 से 8 इलायची जो है लिए हैं, और उसे कूट लेंगे जिससे बढ़िया सा खोआ में अच्छा सा खूब स्ट्रॉन्ग सा इलायची का टेस्ट आए, खा के पता चले कि हाँ मथुरा का पेड़ा असल में है। वहाँ के पेड़े में भी खूब बढ़िया इलायची का टेस्ट आता है, और पेड़ा बिना इलायची का तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इलायची ज़रूर डालें। आप चाहें तो गुलाब का एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, पर पेड़े जो है ना इलायची वाले हैं अच्छे लगते हैं। सो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे, तो चीनी का बूरा है जो घर में बना के हम रखे रहते हैं, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता है, और मार्केट वाला बूरा में ना आरारोट टाइप का कुछ मिक्स होता है जिससे कि वो जमता नहीं है। सो कोशिश करें जब प्रसाद के लिए बनाएं तो घर ही पे चीनी पीस लें, और चीनी पीसने में दिक्कत हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रही हूँ, चीनी को हल्का सा भून लीजिए कढ़ाई में, लाल नहीं करना है, इसमें कलर नहीं आना है। तो चीनी को कढ़ाई में डाल के मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेंगे, तो आपका चीनी और ठंडा करके पीस लेंगे, मतलब सेकेंड ओवर में आपकी चीनी पीस जाएगी। और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा था, कम दिख रहा था, तो हम यहाँ पर कैमरा एकदम सामने ले लिए हैं। अब फिर से एक बार हम लेंगे यहाँ पर घी का अपना डब्बा, और हाथों में क्योंकि चिपक रहा है और ये चिपकता ही है, तो घी का हाथ में घी लगा लगा करके हम अपने खोए को खूब अच्छे से मसलेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे मसलेंगे, उसके बाद ही ऐड करेंगे चीनी का बूरा। तो चीनी का बूरा भी हम एक बार में यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, 2 से 3 बार में हम अपने चीनी का बूरा ऐड किए हैं, और ये परफेक्ट मथुरा का पेड़ा बन के तैयार हुआ है। आप देखेंगे
हमारे वीडियो में कैसे, मतलब कि हम लास्ट में हमने दिखाया भी है, इसका टेक्सचर भी दिखाया है लास्ट में, तो चैनल पर बने रहेंगे तभी पूरा समझ पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ना, और मुलायम भी है, सॉफ्ट भी है उसी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पेड़े के साइज़ का हम इसे काट लेंगे। अब छोटा बड़ा अपने हिसाब से काट लीजिएगा, लेकिन मैं वो एकदम परफेक्ट मथुरा का पेड़ा का जो साइज़ मिलता है वही साइज़ बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश की हूँ, और वही साइज़ बन करके तैयार हुआ है। तो एक साथ सारे पेड़ों को इस तरह से काट लें, और एक साथ फिर क्या करेंगे, राउंड राउंड शेप कर देंगे। तो उस मेन जो चीज़ होता है वो तो हमने बता दिया, अब यहाँ पे साइज़ भी हमने बता दिया आपको। इस तरह से हम राउंड राउंड पूरा शेप मतलब चिकना कर लेंगे, और थोड़ा सा चीनी का बूरा जो है ना आप बचा लें, मेरे पास पहले से था, मतलब जो शीशे में कटोरी में था ना वो पहले का था, और बाद में हमने एक छोटे वाले जार में और हमने पीस लिया था क्योंकि कम पड़ रहा था। और चीनी के बूरे में इसे कोटिंग कर दें, मथुरा के पेड़े ऐसे ही कोटिंग किए हुए होते हैं ना, जो खाया होगा उसको तो पता ही होगा कि ऐसे ही कोटिंग किया हुआ होता है। तो एक अभी हम एक एक कर रहे थे तो लगा कि तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो हमने क्या किया कि एक बार पाँच पाँच छः छः डाल करके और हमने कर लिया। सो इस तरह से हमारे सारे पेड़े बन करके तैयार हो गए हैं, और ये पेड़ा बहुत ही मतलब अभी कोई प्रसाद के लिए बना है तो कोई चखा भी नहीं है और कोई चख भी नहीं सकता है। बाकी सारी चीज़ें हमने मेजर के साथ ऐड किया है, तो हर चीज़ परफेक्ट ही होगा। तो ये हमारे पेड़े जो हैं बन करके सारे तैयार हो गए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे पेड़े। चलिए अब एक प्लेट में असेंबल कर लेते हैं आप सबको दिखाने के लिए, कि देखिए ऐसे ही असेंबल रहता है ना, बस हमारा थोड़ा सा है और उनको सेल करना होता है तो वो बिग क्वांटिटी में बना करके तैयार किए रहते हैं। तो ये हमारा पेड़ा बन करके रेडी हो गया। वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आया हो पेड़े की, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। सो यहाँ पे हम एक बड़ा आपको तोड़ करके भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया अंदर से भी टेक्सचर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।